संत गाड़ के दिवाकर चेतना महासभा आगरा के बैनर तले रविवार को नौवां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सामाजिक संस्था के तत्वाधान में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह के दौरान आगरा सहित अन्य जिलों से भी आए नव दंपति जोड़ों को विवाह के मंगल परिणय सूत्रों में बांधा गया। वहीं इस मौके पर बतौर उपहार महासभा पदाधिकारियों की ओर से नव विवाहित जोड़ों को घरेलू उपयोग का सामान भी भेंट किया गया। आज दिवाकर संत गाड़ के दिवाकर चेतना महासभा की ओर से आज नौवां सामूहिक विवाह समारोह आज कराया जा रहा है, जिसमें नौ जोड़े यहां पर उपस्थित हैं जिनको आज विवाह बंधन में बांधा गया। मैं कमेटी के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूं कि वो समाज के लिए इतना नेक कार्य करते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जिस परिवार में निर्धन परिवार अगर हो तो पिता को भी नींद नहीं आती है कि मेरी बेटी के पीले हाथ कैसे होंगे। और मैं इस मामले में मैं सबसे पहले अपने धन्यवाद दूंगी अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने इस बात की चिंता की है कि जो निर्धन परिवार हैं, जो अपने बेटी के पीले हाथ नहीं कर सकते, उनके लिए आपने देखा हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह समारोह किए जा रहे हैं, जिसमें 71,000 रुपये बेटी को अनुदान के रूप में उनको दिया। मैं ये दिवाकर जो चेतना समिति है इसको बहुत बहुत दूंगा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ये समाज का प्रोग्राम और सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा है बहुत बड़ा, और इनके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा पूरी टीम। कितनी जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है और क्या कुछ अनुदान में दिया जा रहा है बच्चियों को? बच्चियों को उनका पूरा जो भी है उनके साथ सामान दिया जा रहा है, उनको जो भी सामान है, और शायद मेरे हिसाब में 5 जोड़ों का प्रोग्राम। मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्नालाल दिवाकर बोलसराय से। नहीं नहीं, हमारा ये संतगाट के दिवाकर चेतना महासभा का ये नवा महासभा समूह विवाह है, इसमें हम जो भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं उनसे सहयोग लेते हैं और बढ़िया सम्मेलन करते हैं। आप सामान भी देख सकते हैं, सब सामान बढ़िया है हमारा, ऐसा नहीं है कि घरेलू सामान नेक मतलब बना के दे दिया, सब बढ़िया सामान देते हैं बढ़िया से। समाज का ये नौवां सम्मेलन संत गाड़ के दिवाकर चेतना महासभा के तत्वाधान में किया गया है। ये संस्था अपने निर्धन परिवारों का ये सामूहिक विवाह कराती है, समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। आज हमारे समाज के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं और बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ी धूमधाम से यहाँ हम अपनी बेटियों को विदा करेंगे। बेटियाँ अपनी बेटियाँ तो हर कोई विदा कर देता है, मगर आज ये हमारी बेटियाँ बनकर आई हैं। इस संस्था के माध्यम से ये बेटियाँ आज इस मन से विदा होंगी। हमारी कमेटी आज बहुत ही खुश है और इस प्रकार से ऐसे ही आयोजन समय समय पर करेगी पूरी। मैं टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने जोड़ों का विवाह होगा आज? अपने ये 9 जोड़ों का विवाह है, जिसमें अलग अलग शहर से यहाँ बरबधु आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से आए? फिरोजाबाद के हैं, भरतपुर से आए हैं, अपने आगरा के भी 2 जोड़े हैं, एक अपने दो जोड़े अपने मथुरा से आए हैं। सामान में दान दहेज के रूप में अपने समाज से भी जो मंजासीन बैठे हुए हैं उनके सहयोग से इन्हें उपहार स्वरूप फ्रिज है, अलवारी है, रंगीन टीवी है, बाकी गृहस्थी का फुल सामान यहाँ दिया जाता है। बेटी वाला केवल अपने खाली हाथ आता है और यहाँ बेटे वाला पूरा भरकर जाता है, क्योंकि हमारी कमेटी के पदाधिकारी जितने भी हैं, हमारे समाज के गणमान्य लोग और हमारे समाज की विधायिका हेमा दिवाकर जो ब्लॉक प्रमुख जी यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में आए हैं, उन्होंने पूर्ण सहयोग और बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पूर्ण प्रयत्न कराए। धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों को मैं।